हरियाणा की जेलों में कैदियों की आपसी लड़ाई की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। आज एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है करनाल की जिला जेल से, जहां पर बंद कैदी पर किसी दूसरे अन्य कैदी ने सब्जी बनाने वाले गर्म रिफाइंड तेल डाल दिया, जिसके बाद उसके शरीर का हिस्सा बुरी तरह से जल गया, जिसकी हालत को देखते हुए आनन फानन में जेल प्रशासन द्वारा उसे कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया और मरहम पट्टी की गई। गर्म गर्म तेल डलने से कैदी का कंधे से लेकर पेट हाथ तक का हिस्सा जल चुका है। वही मिली जानकारी अनुसार कैदी अजित की जेल में बंद किसी दसूरे कैदी से पुरानी लड़ाई थी, जिस कारण यह सारी घटना को दूसरे कैदी द्वारा अंजाम दिया गया। इसके साथ ये कैदी है या हवलाती है? क्या कैदी है सर? क्या कहाँ का रहने वाला है ये? कार गांव का जी। कौन सा तेल डाला था? ये तेल नहीं है जो घीओ वगैरह इसमें सब्जी वगैरह भी निकालते थे। 302 में या 302 में सर सजाए आपता था ये? नहीं तो अपने आप डल गए इसको। अपने आप नहीं डले थी, वो तो दूसरे ने डाला नहीं। कैदी के ऊपर? हाँ कैदी कैदी के ऊपर। पहले हुआ होगा जी कभी? सजाए आपता सर ये? एक मिनट सर, क्या हालात है कैदी के? अभी देख रहे हैं डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड कर रहे हैं सर। खतरे से बाहर आया ना? खतरा नहीं है जी कोई। कितने बजे का? अभी आईन के पास जो था इन्होंने फर्स्ट एड दे दी और फिर अब कह रहे हैं रेफर तो करेंगे एक बार। क्या नाम है कैदी का? इसका नाम है जी अजीत। कहाँ का रहने वाला है ये? ये कार्द गांव का है सर। कार्द गांव पड़ता है सर, जिला कौन सा? ये डिस्ट्रिक्ट पानीपत सर। और मर्डर केस में था ये? मर्डर में, हाँ 302 में सर। और जिसने किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम तो फिर हमने तो ज्यादा जल्दी फर्स्ट एड देना चाहा जिसको। तो सर सजा ही आपका था, कितने साल की सजा हुई? अभी तो अंदर जाकर पता लगा। सुबह कितने बजे घटना है ये? सुबह की नहीं जी, या डेढ़ दो बजे की बात। डेढ़ दो बजे की बात? हाँ सर। आपका क्या नाम? सर्वर है। आप वहीं जेल में है? हाँ जी, मैं एम्बुलेंस ले आया इसको जल्दी। खतरे से बाहर है? हाँ ठीक है जी, लेकिन रेफर कर रहे हैं डॉक्टर।